4.2 में कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 9-10 तक करा दिए थे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह 8u-3v = 5uv और दूसरी समीकरण है 6v - 5u - 2uv। तो देखिए यदि इनको अपन पहले की तरीके से लें जैसे अपन ने और समीकरण किए हैं, तो पहले ये जो संयुक्त राशि हैं इनको समाप्त कीजिए। दोनों समीकरणों में आप uv का भाग दे दें तो 8u/uv का भाग देंगे तो u से u कट जाएगा, 8v - 3u = 5। इधर इसको क्रम में ले लें, पहले इसको ले लें, -5v + 6u = -2। अब यदि आप इनके या तो गुणांक बराबर कर लीजिए या इनको मान लीजिए, माना 1/1 v, 1/v = x और 1/u = y रखने पर, तो 8x - 3y = 5। ये हमारी बनी पहली समीकरण। इधर देखें -5x + 6y = -2, ये सेकंड हो गई। अब दोनों के गुणांक बराबर कीजिए या आप एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ए और बी मान लीजिए आपको, क्योंकि यहां पर फिर ध्यान नहीं रहता है मान निकालने का, क्योंकि समीकरण अधिकतर एक्स और वाई में दी जाती, तो 1/v = A और ये मान लीजिए बी। तो क्या हो गया, 8a - 3b = 5, ये पहली समीकरण, और -5a + 6b = -2, ये हो गई सेकंड। गुणांक बराबर कीजिए, यहां 3 है और यहां 6 है, तो चूंकि 3 का भाग 6 में जा रहा है तो 3 × 2 = 6, इसलिए जितने से भाग जा रहा है उतने से गुणा कर दीजिए। 3 में 3 का भाग 1 बार जा रहा है तो 1 से गुणा कर दीजिए, ऊपर जितना भाग जाता है नीचे गुणा, और अन्यथा जो नियम बताया ऊपर की संख्या नीचे, इसे 3 से और इसे 6 से, या 8 × 16a - 6b = 10, -5a + 6b = -2। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान, तो जोड़ने पर, इन्हें जोड़िए, जोड़िए तो 16 में से 5 गए तो 11a
बराबर माइनस आठ, माइनस आठ। अब ये मान आप रखिए, किस में रखें, इसमें कहीं मिसप्रिंट हो रही है, मिसप्रिंट कहाँ हो रही है, छः वी माइनस पाँच यू, आठ और तीन पाँच यू वी, एक मिनट कहीं कहीं गलती हो रही है, आठ बटे वी, तीन बटे तो और पाँच बटे आठ दूना सोलह है, उत्तर आने हैं इसमें कितने, U बराबर 22 बटे 31, 16 5 31, 6 3 9, 11 बटे 20। इसमें देखिए कहीं कहीं अपनी कोई संख्या में प्रॉब्लम है, 8 भी, ओह सॉरी 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 गलत लिख गए सवाल, यहाँ से संख्या गलत हो गई। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से देखें, सॉरी गलती हो गई एक मिनट यार गलत संख्या कर दो, यस। तो आज प्रश्न माला 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 8 वी माइनस तीन यू बराबर पांच यू वी, छह वी माइनस पांच यू बराबर माइनस दो यू वी, दो यू वी, यस। देखिए दोनों समीकरण में यूवी का भाग देने पर अब 8v में यूवी का भाग दें तो क्या आ गया, 8 बटे यू माइनस 3 बटे वी बराबर 5, इधर भाग दें 6 बटे यू माइनस 5 बटे वी बराबर माइनस 2। अब माना क्योंकि बटे में बीजे राशि आ रही है तो 1 बटे यू बराबर ए व 1 बटे वी बराबर बी माना रखने पर तो रख दें इसमें मान 8 ए माइनस 3 बी बराबर 5, 6 ए माइनस 5 बी बराबर माइनस 2। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, गुणांक बराबर करें हम, क्या बराबर करें, गुणांक, तो गुणांक बराबर करें तो इसका गुणांक है 5, नीचे 5 से गुणा कर दें और इसे कितने से गुणा कर दें, 3 से, ऊपर का गुणांक नीचे और नीचे का गुणांक ऊपर, या 48 ए माइनस 15 बी बराबर 25, 3 से गुणा करें, 6 3 18 ए माइनस 5 3 15 बी बराबर माइनस 6। अब देखिए यहां पर गुणांक किसके बराबर किए हमने, बी के, दोनों के चिन्ह समान है तो समान चिन्ह होने पर
यहां लिखेंगे अपन घटाने पर, और घटाते हैं जब भी बीजी राशियों को तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए। 40 में से 18 गए तो कितने बचे, 22 ए बराबर 31। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस हो चुका है, तो ए बराबर हो गया 31/22। अब ए का मान हम किस में रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में? ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखने पर रख दें 8 × 31/22 -3b = 5। काट लें, 4 × 8 2 × 2 = 2, 4 × 4 और 4 × 3 = 12 / 11 -3b = 5। -3b = 5 -124/11, -3b = 11 × 55, एलसीएम ले लिया, 55 − 124/11। तो अब 124 माइनस का है, 55 किसका है, प्लस का, तो 124 में से 55 घटाइए, लिखकर घटाइए ताकि कोई गलती ना हो। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 11 में से 5 गए तो 6, तो माइनस पर बचेंगे किसके, माइनस के, -69/11, माइनस से माइनस कटा, b = 69/11 × 1/3, 3 से काट दीजिए, 3 × 6 और 3 × 3 = 9, 23 × 3 = 69। अब भी इसमें कहां गलती हो रही है देखें, 4/23 ठीक है। तो b का मान हो गया अपना 23/11। हमको मान सवाल में कौन सी राशियां दी गई हैं, u और v, तो अब इनके मान वापिस रखें, u और v का मान निकालें, a व b के मान वापिस रखने पर क्योंकि 1/u = हमने माना था a, दिस इंप्लाइज, तो वज्रगुणा करें, u = हो गया 1/a, तो u = 1/a, a का मान कितना है 31/22, तो u का मान हो गया 22/31, उलट जाएगा मान, 1/v = b माना था तो b = हो गया 1/b, और b का मान कितना आ रहा है 23/11, तो इसका मान हो गया 11/23, तो u का मान तो हुआ 22/31 और इसका मान हो गया 11/13 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन देखें, 14वां क्वेश्चन, चौदवा आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 के बजाय आप 15वां ले लीजिए, कठिन है 15वां, 5/x + y -2/2
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक और 15 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 7 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 10। देखिए यहां पर दोनों हारों में x प्लस वाई है और यहां पर x माइनस वाई है। तो मान ले अपन माना 1 बटे x प्लस वाई बराबर a और 1 बटे x माइनस वाई बराबर b इसमें रख दें। तो रखिए क्या हुआ 5a 1 बटे एक्स प्लस वाई को क्या माना है हमने ए और 5 से गुणा है माइनस 2b बराबर माइनस 1। ये पहली समीकरण बन गई आपकी 15a प्लस 7b बराबर 10। ये सेकंड समीकरण हो गई। अब गुणांक बराबर कीजिए, नीचे गुणांक कितना है 7 और ऊपर कितना है 2, तो इसे 7 से और इसे 2 से गुणा कर दें। करिए गुणा 7 5 35a माइनस 14b माइनस 7 15 2 30a प्लस 7 2 14b बराबर 10 2 20। जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि जिसके गुणांक बराबर किए हैं उनके चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं, कट गए। ये हो गए कितने 65a बराबर 13, 20 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं, a बराबर 13 बटे 65, 13 कम 13 13 पंजे 65, तो a बराबर 1 बटे 5। ए बराबर 1 बटे 5 समीकरण कौन सी में रखोगे, फर्स्ट या सेकंड में, जो जचता है सेकंड में रख लें ताकि चिन्ह का अंतर नहीं आएगा। सेकंड में रखने पर रखिए 15 गुणा 1 बटे 5 प्लस 7b बराबर 10, 5 3 15 तो 7b बराबर 10, 3 इधर गया माइनस 3, b बराबर 7 बटे 7 यानी कितना आ गया 1, b बराबर 1 आ गया और a बराबर आ रहा है 1 बटे 5। मान चेक कर लें फिर a बराबर 1 बटे 5, 1 बटे 5 देखें हम यहां रखे तो 1 इधर गया तो माइनस 2 1 ही आएगा। अब a व b के मान वापिस रखने पर रख दो 1 बटे x प्लस y बराबर क्या माना था हमने a और a का मान हो रहा है 1 बटे 5 तथा दूसरी क्या माना था 1 बटे x माइनस y बराबर b और b का मान आ रहा है ये। वज्रगुणा कीजिए x प्लस y बराबर 5, इसे कीजिए x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण हमारी थर्ड और ये हो गई फोर्थ। अब फिर यहां पर भी दो अज्ञात राशि हैं, एक को विलोपित कीजिए तो जोड़ने पर कौन कट गया y, तो 2x बराबर 6, तो दिस इंप्लाइज x बराबर 6 बटे 2 यानी 3। अब x बराबर 3 समीकरण थर्ड में रखने पर तो 3 प्लस y बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 3
वाई बराबर कितना आ गया? 2। तो इसका हल हो गया हमारा एक्स बराबर 3 व वाई बराबर 2। ये इसका अंतिम हल हुआ। अब एक मिनट, यस, टाइम कितना हो गया? 5 मिनट और है। 25 यस। अब 15 ही हुई। यस यस, हाँ जी। अब देखें आप वज्र गुणन विधि, अगला टॉपिक चालू हो रहा है अपना वज्र गुणन विधि। इसी में वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, दो युगपत समीकरण अपन को दिए गए हैं। माना समीकरण पहला क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चार राशि वाले समीकरण का मूल रूप। अब युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी वही एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब चूंकि दोनों ही समीकरणों के गुणांक समान नहीं हो सकते, दोनों एक ही हो जाएंगी, तो यहां ए वन बी वन और सी वन, यहां ए टू बी टू और सी टू। यदि इन दोनों समीकरणों को हम हल करें, ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण, इस प्रकार की समीकरण को हम हल करते हैं तो निम्न निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त समीकरण का हल निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, एक्स बटे वज्र गुणन में यदि आप एक्स ले रहे हैं तो इनके गुणांक वज्र गुणा करें यूं, तो क्या हो गया बी वन सी टू माइनस, अब इधर करेंगे तो चिन्ह बदल गया, बी टू सी वन, वाई बटे जहां खत्म हुआ है सी वन, अब वाई का गुणांक नहीं लेंगे, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, अचर पद में ए वन बी टू, अचर पद में ये छूट जाएगा, तो ए वन बी टू माइनस बी वो सॉरी ए टू बी वन। ये अपना वज्र गुणन विधि के द्वारा सूत्र प्राप्त होता है। इससे कैसे समीकरण को हल किया जाता है ये अपन इस सूत्र का उपयोग करके देखेंगे। अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया वज्र गुणन विधि का सूत्र। यदि अब इनके हम हल देखें तो तीन कंडीशन सामने आती हैं। इन वज्र गुणन विधि में यह अपना टॉपिक साध नियता के लिए प्रतिबंध, क्या क्या कंडीशन लगती है
यदि फर्स्ट कंडीशन है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो क्या होगा? इस प्रकार की समीकरण दे रखी है, उनके गुणांकों का अनुपात निकाल कर ही हम पता लगा सकते हैं। यदि इस प्रकार से कंडीशन बन रही है तो समीकरण निकाय संगत होगा, संगत होगा, तथा इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ऐसी समीकरण इस प्रकार से यदि उनके गुणांक समान हो जाएं तो उनको हल करने की आवश्यकता नहीं है, हल होंगे ही नहीं, और यहां पर निकाय संगत होगा और उनके हल कितने निकलते हैं? अनंत हल। सेकंड कंडीशन है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यानी उनके बीजीय राशियों के गुणांक तो समान हैं और अचर पद के अनुपात सही नहीं है, समान नहीं है, तो निकाय हो तो समीकरण निकाय असंगत होगा, असंगत होगा।